सरप्राइज़ मिला है सनी को, क्या खास मतलब मौका आ रहा है सनी के लिए? अभी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, मतलब अच्छा बुरा हेड बॉय नहीं बना, थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा मेरे को बुरा लगा था कि मैंने लाइफ में पहली बार कुछ बनने की कोशिश करी है, वो नहीं बन पाया मैं। बट कहीं ना कहीं मैं खुश भी था कि मैंने लाइफ में पहली बार मेहनत करी है और अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करी है, दूसरों के लिए नहीं, खुद को प्रूव करने के लिए। और अभी सब हो चुका है, अब फाइनली टाइम है सेलिब्रेट करने का, क्योंकि मेरा बर्थडे आ रहा है। तो यू नो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि क्या होने वाला है मेरे बर्थडे पे, मैं कौन से कपड़े पहनूंगा, क्या गिफ्ट मिलेंगे मुझे, यू नो, और कौन कौन मेरी पार्टी में आएगा, तो वो सारी चीज़ें चल रही हैं अभी। लेकिन अभी फिलहाल काफ़ी अच्छा फ्यूचर सरप्राइज़ डांस वांस कर रहे हैं। हाँ, अभी मेरे नानू और मेरे दोस्त मुझे विश करने आए थे, बर्थडे विश करने आए थे, तो मेरे नानू ने मुझे गिफ्ट दिया है जिसे देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। और नानू मेरे बच्चे की तरह है, तो वो उन्होंने गाना प्ले किया और हमने सब ने डांस किया, मस्ती की। अब और आगे देखते हैं क्या होता है मेरे बर्थडे का। समीर की इस प्लान में कहीं ना कहीं नैना भी शामिल होंगी? यार मैंने ना आई थिंक अभी कुछ दिन पहले सीन गया था, अभी जो शायद टेलीकास्ट नहीं हुआ है, तो उसमें कैंटीन में जाके सबको इनवाइट किया है, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे दोस्त नहीं भी हैं, अगर मेरी क्लास में हैं, मेरे स्कूल में हैं इनफैक्ट, तो मैंने सबको इनवाइट किया है, क्योंकि मैं थोड़ा सा रिच फैमिली से बिलोंग करता हूँ, नॉट इन अ नेगेटिव वे बट इन अ पॉजिटिव वे, मैंने सबको इन्वाइट किया है कि सबको मेरे बर्थडे में आना है। तो लेट्स सी अब नैना आती है या नहीं। थैंक यू थैंक यू।